नारायण साई ने बनवाई आसाराम की फिल्म। ब्लैकमेल कर प्रॉपर्टी हथियाने के लिए पत्नी को पीटता था नारायण साई। नारायण साई का पसंदीदा खेल था जल क्रीड़ा। आसाराम का आश्रम नरक से बदतर था। नारायण के ड्राइवर का बड़ा खुलासा। बाप बेटों ने सैकड़ों अबॉर्शन करवाए। नारायण के ड्राइवर के पास गुप्त तस्वीरों का खजाना। मोनिका है नारायण साई की मास्टरमाइंड। नारायण की पीड़ित का भंडाफोड़। मोनिका मिल जाए तो नारायण का हर राज खुल जाएगा। नारायण साई के दो दो राजदारों ने फिर नए खुलासे किए हैं। दोनों ही राजदार नारायण के जुल्म के शिकार होते हैं। एक है सूरत की वो लड़की जिसने नारायण पर रेप का आरोप लगाया है, दूसरा वो जो इंदौर के आश्रम में नारायण का बॉडीगार्ड हुआ करता था। दोनों के नए सनसनीखेज आरोपों में यह खुलासा भी हुआ है कि नारायण अपने पिता आसाराम बापू के खिलाफ एक खुफिया सीडी बनवाने की साजिश रच रहा था। आखिर वो आसाराम की सीडी क्यों बनवा रहा था? सूरत से शैलेश चापनेरिया और इंदौर से पुष्पेंद्र वैद की रिपोर्ट देखिए। नारायण साई की पीड़ित लड़की ने एक और बड़ा राज खोला है। नारायण साई पर सूरत के आश्रम में दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के मुताबिक नारायण साई आसाराम की सीडी बनवाने की फिराक में था। सीडी बनवाने के लिए नारायण साई ने एक लड़की को आसाराम के कमरे में भेजने की साजिश तैयार की थी, ऐसी लड़की जिसके पास खुफिया कैमरा हो। नारायण साई अपने ही पिता की सीडी क्यों बनवाना चाहता था? आखिर इसके पीछे उसका क्या इरादा था? पीड़ित लड़की की माने तो नारायण साई आसाराम की करोड़ों की मिल्कियत को हड़पना चाहते थे। वो खुद चाहते थे कि आसाराम किसी सूरत से जेल चले जाए या किसी बड़े आरोप में फंस जाए। नारायण नहीं चाहता था कि आसाराम जो उनकी लीला कर रहे हैं, तो उसको कुछ सीढ़ी बनाने की बात भी की थी। वो बात आपको कैसे पता चली और उसमें कितनी सच्चाई है? ये मैंने किसी से सुना था कि नारायण ने किसी को ये बोला हुआ था कि बापू के कमरे में किसी लड़की को कैमरा लेके भेज देना चाहिए, कि मतलब अंदर से इरादा था ऐसा है कि भाई बापू जेल में चले जाए या कुछ हो जाए तो उसका साम्राज्य में ले लूं जल्द से जल्द। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आसाराम के कुछ भक्तों से हुई पूछताछ में भी ये खुलासा हुआ है। आसाराम भी अपने बेटे की करतूत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो चाहता था कि नारायण उनके आश्रमों में ना आए। यही वजह है कि नारायण तेजी से अपने आश्रम बनवा रहा था। नारायण ने इंदौर और साबरकांठा के साथ कुल 5 आश्रम बना लिए थे। नारायण के इस काम में दिल्ली की रहने वाली मोनिका नाम की एक लड़की भी मदद कर रही थी। आखिर मोनिका कौन है और उसके नारायण साई से क्या रिश्ते थे? नारायण की पीड़ित लड़की ने इसका भी खुलासा किया है। मोनिका बारे में आप कितना जानती हो? ये मोनिका अग्रवाल दिल्ली की रहने वाली है और वो हमेशा परछाई की तरह साथ में ही रहती है नारायण के, और उसका कुछ भी काम हो छोटा सा बड़ा मतलब वो सब मोनिका करती है। उसके इशारे पर ही नारायण सब कुछ करता है, पैसे का हवाला हो या फिर उसके प्रोग्राम सेट करना हो, किससे कितनी दक्षिणा लेना हो, किसके घर जाना हो, वो सब काम मोनिका देखती है, और लड़कियों को अंदर बाहर करना ये वो सब कुछ। पीड़ित लड़की के मुताबिक मोनिका नारायण के आश्रमों को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों को साधकों के तौर पर जोड़ने का काम करती थी, उनसे पैसे का लेन देन करती थी। पैसे वाले साधकों को वो लड़कियां भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसाने का काम करती थी। मोनिका जो है जो आश्रम में जो पैसे वाले जो साधक होते हैं उनको लड़कियां पहुंचाने का काम भी करती है, ऐसी भी बात कुछ सामने आई है। इस बात में आपको लगता है कि सच्चाई है? हाँ जरूर सच्चाई है, क्योंकि ये मैंने सुना हुआ कि वो ये सब काम भी किया करती थी, सबकी रिक्वायर पूरी करती। अगर पैसे वाला बंदा हो तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करके पैसे निकलवाती थी उससे। पीड़ित लड़की की माने तो आसाराम के जेल जाने के बाद मोनिका ने साध्वी लड़कियों को मोबाइल से
SMS भी भेजे थे। उसमें उसने लड़कियों से कहा था कि वो नारायण के खिलाफ अपनी जुबान ना खोले। मोनिका ने ही आश्रम में रहने वाली लड़कियों को जमुना जैसी गलती ना दोहराने की सलाह भी दी। बापू को जब अरेस्ट किया गया तब उसको कहीं से अंदर होगा कि भाई इसका भी सामना, मतलब कोई लड़की बाहर ना आ जाए इसके बारे में भी, उसके कुकर्म का पर्दाफाश करने के लिए। तो और उसका ये सब चालू होगा, लड़कियों से मिलना, बातें करना, बुलाना या रिलेशन रखना। तो उसको अंदर से कहीं डर था कि ये भी अंदर ना चला जाए। तो इस हिसाब से उसने सब लड़कियों को मैसेज किया होगा कि भाई, किया था, मैंने खुद पढ़ा है मैसेज कि जमुना ने जैसे गलती की वैसी गलती तुम कभी मत करना, मतलब रिलेशन रखो पर प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ इस पीड़ित लड़की ने ही नहीं, नारायण के ड्राइवर रह चुके एक और राजदार ने भी मोनिका के बारे में बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक वो मोनिका ही थी जो नारायण की पसंद के मुताबिक लड़कियों को तैयार करती थी। नारायण साईं के बारे में पीड़ित लड़की के अलावा उसके बॉडीगार्ड ने कई और खुलासे किए हैं। नारायण के इस नए राजदार की माने तो नारायण के लिए हर दिन एक नई लड़की तैयार रखी जाती थी। ये राजदार जोखिम उठाकर भी नारायण की करतूतों के सबूत इकट्ठे कर रहा था, लड़कियों को साईं के चंगुल से बचाने की कोशिशें कर रहा था। पुष्पेंद्र वैद्य की रिपोर्ट देखिए। नारायण हर दिन एक नई लड़की की मांग करता था। तीन सौ पैंसठ दिन उसके लिए नई नई लड़कियां तैयार रखी जाती थी। करीब दो महीने से गुजरात पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे नारायण के खिलाफ ये खुलासा उनके ही बॉडीगार्ड और ड्राइवर ने किया है। नाम है सतीश वाधवानी। वाधवानी करीब 19 साल तक नारायण साई के साथ साय की तरह रहता था। वाधवानी का दावा है कि नारायण और आसाराम के लिए साल के 365 दिनों के लिए लड़कियां बुक रहती थी। साल के 365 दिन इनके बुक रहते थे साहब, अलग अलग लड़कियों से। साल के 365 दिन एक दिन भी छूटता नहीं था इनसे। इतने काम में ये अंदर, उस काम में अंदर जा चुके थे ये लड़कियां। हर दिन नई लड़कियां होती थी, हर दिन नई लड़कियां, कभी कभी रिपीट भी हो जाती थी। अब जब कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो बाकायदा उस लड़की का उल्लेख भी हो जाएगा, आपको पता भी पड़ जाएगा साहब। सतीश वाधवानी इस बात का भी दावा करते हैं कि नारायण और आसाराम जहां भी रात गुजारते थे उनके लिए 18 साल से 20 साल की लड़कियां लाई जाती थी। वो लगभग उनकी उम्र जो हुआ करती थी करीब करीब 18 से लेकर के 20-25 वर्ष की आयु की लड़कियां रहा करती थी। और इनके आश्रम की कुछ लड़कियां थी और कुछ जो टूर पे लड़कियां आया करती थी वो घर से आया जाया करती थी ना, बाहर की लड़कियां। जानकारी के तौर पर अगर मैं बताना चाहूंगा कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है, कमरे में मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन ये तो जग जाहिर है कि भाई रात को लड़कियां जा रही हैं और सुबह लौट रही हैं सुबह सुबह, तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियां अंदर क्यों जा रही है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच लड़कियां एक साथ रूम में जा रही हैं, तो क्यों जाएंगी वो लड़कियां। सतीश के मुताबिक उन्होंने आसाराम के पास रात 12:30 बजे कई लड़कियों को जाते हुए देखा है। ये लड़कियां सुबह करीब 3:30 से 4 के बीच उनके कमरे से बाहर आती थी। मैंने कईयों बार आसाराम जी के साथ में बॉडीगार्ड के रूप में कई लड़कियों को रात में करीब करीब 12:30 बजे के बाद में उन लड़कियों को अंदर जाते हुए भी देखा है मैंने, और सुबह सुबह लगभग 3:30-4 बजे उन लड़कियों को मैंने बाहर निकलते हुए भी देखा है। सतीश वाधवानी ने अपनी जान जोखिम में डालकर आसाराम और नारायण साई के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया। अपने दावे को सही ठहराने के लिए इन्होंने कुछ फोटोग्राफ और ऑडियो क्लिप का भी हवाला दिया है। ये वो फोटोग्राफ हैं जिसमें नारायण साई खुद को भगवान कृष्ण का अवतार साधिकाओं को बताते थे। तस्वीरों में नारायण साई श्री कृष्ण के वेश में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, इसमें नारायण साई साधिकाओं के सामने जल क्रीड़ा करते नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसे सतीश वाधवानी ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए इकट्ठा किया है। और मेरे पास तो इस बात का प्रमाण भी है कि मेरे कहने कॉल रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। अभी मैं आप सुनेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि भाई ये नारायण जो है जिस स्थान पर पहुंचता था उसके पहले ही लड़कियों को पहुंचा दिया जाता था। मेरे कहने वो तस्वीरें हैं कि ये अपने आप को कृष्ण मानता है और कृष्ण के रूप में अपने आप को जैसे सर पे मुकुट बांधे हुए, बंसी हाथ में लिए हुए, बजाते हुए, ऐसे इस टाइप के फोटोग्राफ्स भी मेरे पास। सूरत की रही पीड़ित लड़की के मुताबिक नारायण साईं का एक बेटा तो जमुना नाम की साधिका से जन्मा था। ये बात खुद जमुना की बहन
गंगा ने पुलिस को पूछताछ में बताई। लेकिन पीड़ित लड़की का कहना है कि नारायण साई एक और साधिका की बेटी का भी पिता है। इंडिया टीवी संवाददाता शैलेश चपनेरिया की रिपोर्ट देखिए। बच्ची 8-9 साल की होगी और मैंने देखा है वो बच्ची को, और वो नारायण की शादी का है, और फिर उसकी शादी किसी और साधक से करवा दी गई थी और वो अहमदाबाद में ही रहती है। तो ये जो आप बता रहे हो कि 8-9 साल की बच्ची है, तो ये मोक्ष के पहले? जमुना से पहले भी उनको और शादिकाओं से रिश्ते थे और उसके थ्रू उनको एक बेटी भी हुई, ऐसा कहना चाहते? हाँ है, और दो तो मेरे ध्यान में है, मोक्ष है और वो लड़की है, और भी कोई हो सकता है। जहाँ तक नारायण की घरवाली का सवाल है, उन्होंने तो अपने कलेजे पे पत्थर रख लिया और वो काफी सालों तक नारायण साईं से अलग रही, क्योंकि वो उनकी धर्म पत्नी होने के नाते वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि दूसरी लड़कियां भी नारायण के पास जा रही है और वो भी जाए। इसलिए उन्होंने अपना मन बना लिया कि इस पाखंडी से दूर रहूं, और इंदौर न्यायालय में उनका अभी डिवोर्स का केस वो ले रही हैं और चल भी रहा है। नारायण के बेटों को लेकर भी कोई कंट्रोवर्सी है, किस तरह की बात सामने आपके सामने आई है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है भाई। अगर कायदा तो ये कहता है कि नारायण को अपनी पत्नी को बच्चा देना चाहिए था, लेकिन अपनी पत्नी को बच्चा न देते हुए उसने जमुना नाम की लड़की को बच्चा दिया और उस बच्चे का नाम मोक्ष रखा गया, महेश्वर रखा गया, और आज जमुना वांटेड है, कौशल ठाकुर वांटेड है, नारायण साई वांटेड है, जिस पर गुजरात पुलिस ने नारायण साई पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, कौशल ठाकुर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है, जमुना पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है, और मोनिका अग्रवाल जो उसकी पीए आज भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अगर पुलिस अब उसको पकड़े तो मैं समझ सकता हूं कि नारायण साईं तुरंत हाथ में आ जाएगा। उसकी वाइफ के साथ भी मारपीट हुई है, वो मतलब सक्की स्वभाव का साथ, तो किसी जेंट्स के साथ बात करते हुए देख लिया था एक बार, तो बस वही रीजन से मारा था उसको। इसकी साफ कोई गिनती नहीं, अनगिनत उसकी पत्नियां भी हो सकती हैं और उसकी उनसे अवैध संबंध भी हैं कई लड़कियों से। क्या नारायण साई बनाते थे साधिकाओं की ब्लू फिल्म? ये सवाल नारायण साई पर लगे सबसे संगीन आरोपों से उठ खड़े हुए हैं। सूरत की अदालत में गवाही देते हुए एक साधिका ने दावा किया है, उसका कहना है कि नारायण साई ने उसकी ब्लू फिल्म बनवाई थी। अब तक नारायण साई पर लगे हैं यौन शोषण के आरोप, साधिकाओं से जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप, लेकिन आज अदालत में खुलासा हुआ है एक और घिनौने राज का। अदालत के सामने गवाह ने नारायण साई पर लगाया है ब्लू फिल्म बनाने का आरोप। गवाह ने दावा किया है कि उसके साथ भी नारायण साई ने शारीरिक संबंध बनाए और इस पूरी वारदात को कैमरे में भी कैद किया, यानी नारायण ने अपनी अश्लील करतूत की वीडियो फिल्म भी बनवाई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने हनुमान का एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। एट द टाइम ऑफ हियरिंग प्रोसिक्यूशन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स वगैरह भी ऑनरेबल कोर्ट को दिया गया है, उसमें 2 विटनेसेस है, उनके निवेदन, गवाह है, उसके निवेदन भी कोर्ट को दिया है। उसके निवेदन के आधार पर ऐसा है कि नारायण साई जब भी ये सत्संग के दौरान कहीं जाते थे तो रात को जो लड़कियां ये हनुमान उसका लड़की का ब्रेन वॉश करता था, लड़कियों को बुलाने का काम ये हनुमान करता था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 विटनेस जो है उन्होंने बताया। सूरत के सेशंस कोर्ट में साधिका का हर बयान चौंकाने वाले खुलासे की तरह सामने आ रहा था। साधिका ने आप बीती सुनाते हुए अदालत को बताया कि नारायण का सबसे खास सेवादार हनुमान उर्फ कौशल ठाकुर ही वो शख्स है जो नारायण की हरकतें कैमरे में कैद किया करता था। साधिका ने आरोप लगाया कि जिस वक्त नारायण साई उसके साथ जबरन संबंध बना रहे थे, उस वक्त भी हनुमान के हाथ में कैमरा था और आश्रम में ही तैयार हो रही थी ब्लू फिल्म। साधिका ने आरोप लगाया है कि नारायण जब भी कभी सत्संग के लिए जाते और रात में रुकने की प्लानिंग करते तो उनके पास किसी साधिका को भेजा जाता था और इसी दौरान नारायण और साधिका की ब्लू फिल्म बनाई जाती थी। साधिका ने कोर्ट को यह भी बताया कि ब्लू फिल्म बनाने वाला हनुमान ही साधिकाओं को नारायण साई के साथ रात गुजारने के लिए तैयार करता था।
आश्रम की लड़कियों के ब्रेन वॉश करने में उसकी मदद करती थी मोनिका अग्रवाल नाम की एक और साधिका। अदालत में गवाही के दौरान साधिका ने दावा किया कि मोनिका और हनुमान की जोड़ी ने कई लड़कियों को नारायण के साथ रात गुजारने के लिए तैयार किया था। उनकी सारी अश्लील लीलाएं कैमरे में भी कैद की थी। इसमें एक जो विटनेस है उनके निवेदन में ये बात आई है कि इसकी ब्लू फिल्म भी उतारी जाती थी कभी, ऐसा एक विटनेस का स्टेटमेंट में भी आया है।